अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कल वाली हमारी ट्रेड के ऊपर। ठीक है, कल जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, ये कल वाले ही लेवल्स लगे हुए हैं। बहुत अच्छे, तकरीबन 100% हमारी ट्रेड वही रही जो मैंने आपको बताई थी। इससे पहले वाली वीडियो है, जाकर आप खुद चेक कर लें। ठीक है, अच्छा ये वाले लेवल्स कल के ही सेफ हुए हैं। ये देखे आज 22 है, ये देखे 21 का ये मैंने सेफ किया हुआ था इस चार्ट को। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट है H1 की, वहां पर अगर आती है तो मार्केट आपने बाय कर लेना। आपने बाय किया यहां से, मार्केट मैंने कहा था अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 2043 को, तो आपने तब भी बाय कर लेना। बाय किया, तकरीबन 2053 पे गई। हमारा ये देख लें कल का ही ये रेजिस्टेंस लेवल लगा। यहां से मैंने आपको बताया था कि आपने यहां से सेल करना है। ठीक है, और मार्केट जैसे ही वहां पर गई और मार्केट आपके सामने नीचे आई, तकरीबन 45 तक मार्केट आई, और उसके बाद फिर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, न्यू सपोर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस 43 वाला उसने क्रॉस कर दिया हुआ था, उसका ब्रेकआउट कर दिया था। अच्छा, आज के लिए क्या होगा, आज के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपने चेक कर लिया, हमेशा मैं अपनी प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो आपको चेक करवाता हूँ, और आज जो हमने करनी है ट्रेड। अच्छा जी, आज फ्राइडे है, आज के लेवल्स चेक करते हैं। ठीक है, आज यूएस सेशन जो है वो ओपन होने वाला है, और अभी हमने क्या देखना है, हम अभी हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो देखनी है, ये तो जो लेवल्स लगे हुए हैं ये कल वाली है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर न्यू चार्ट अभी बनाना है, हमने उसी हिसाब से ट्रेड करनी है। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमने देखनी है न्यूज़। न्यूज़ भाई साहब बहुत ही अहम न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें 6:30 बजे GDP, कल मार्केट जो थी मिक्स्ड डाटा आया था। ठीक है, उस वजह से मार्केट ने एक रेंज रखी, और सुबह के टाइम मार्केट सुबह से लेकर तकरीबन 4 बजे तक मार्केट ऊपर चलेगी, तकरीबन 55 पर टच कर लिया हुआ था 4 बजे तक। ठीक है, अच्छा फिलहाल हमने GDP है, उसके बाद कोर वाली है न्यूज़, उसके बाद ये जो है ना, ये बहुत अहम न्यूज़ है ये दो। ठीक है, और नीचे एक है 8 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये भी अहम है, लेकिन ये वाली मूवमेंट, इनकी वजह से मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाली तो जो है ना GDP, वो गोल्ड की USD की नहीं है, सॉरी ये USD की नहीं है, ये वाली जो है ना USD की है, ये वाली। ठीक है, कोर वाली प्राइस इंडेक्स वाली। ठीक है, इसको हमने फॉलो करना है, और साथ ही कंज्यूमर सेंटीमेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर अपने। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लगाने हैं लेवल्स। ठीक है, लेवल्स लगाने के लिए इनको हम ज़रा, इसको हम कर देते हैं डिलीट, इन लेवल्स को जो कल लगाए थे आज, क्योंकि डेली बेसिस पर स्कैल्पर के लिए हमने डेली हमने लेवल्स चेंज करने होते हैं, पिवट पॉइंट को फाइंड करना होता है, ये सब को, ये H1 वाली को रहने नहीं, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल न्यू है हमारा इस वक्त चार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले जो मैंने सुबह फाइंड किए थे लेवल्स, उनमें से तकरीबन एक लेवल इसने ऊपर का तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। मैंने 57 का था, यहाँ पर एक लेवल ये आ गया हमारा, उसके बाद है जी 64 का था। ठीक है, उसके बाद है 2070 का। तो अब पिवट पॉइंट हमारा होगा 2047। ठीक है, पिवट पॉइंट ओके 2047, इसको हम सेट कर देते हैं यहां पर उसी वाली लाइन पे। ओके, अब नेक्स्ट हमने सपोर्ट लगाने वाली रह गई है। सपोर्ट जो होंगी हमारी, एक तो होगी 38, 2038 या 39, हम 38 ही कर लेते हैं फर्स्ट वाली। ठीक है, यहां से ये ओके, और उसके बाद एक एक सपोर्ट और लगा लेते हैं, वो होगी 32। ठीक है, ये देखें जी, चले H1 का मैंने ओपन किया हुआ है चार्ट,
अब आपको बताता हूँ, देखें अब एक और चीज़ हो रही है अभी इसी टाइम, मार्केट जो है बहुत फास्ट हुई हुई है, ठीक है, इसी वजह से आपने बहुत ही एहतियात से ट्रेड करनी है। मैं ट्रेड जो करूँगा 2070 पे जाती है, या अभी 2000 तकरीबन 67 पे या 66 पे जाती है, तब भी आप कर सकते हो, इधर से भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी आज की जो मैं ट्रेड करूँगा, मैं कल आपको दिखाऊंगा अपने उसके ऊपर क्या हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, सब कुछ आपको हमेशा की तरह जिस तरह मैं पहले भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, यहाँ से हमने क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखें, न्यूज़ आनी है आज, न्यूज़ बहुत अहम है जो मैंने आपको दिखा दी है पहले। तो यहाँ से क्या होगी, अभी यहाँ से मार्केट इस तरह करती करती नीचे आएगी, उसके पास 55 के पास 2055 से, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। ये है हमारा एक एनालिसिस, क्योंकि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था ना, उसको ये सपोर्ट बनाएगी और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट। और न्यूज़ के बाद क्या होने वाला है, अच्छा एक तो ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ से सेल कर लें अगर आपने अपनी एक्यूरेसी करना चाहते हैं एक अच्छी, तो फिर आप 2070 से सेल करें, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट सीधी 55 पे 50 पे आएगी, ठीक है, 2050 तक आ सकती है। एक तो ये हो गया, सेकंड 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 मार्केट अगर क्रॉस करती है हमारे पिवट पॉइंट को, तो मार्केट और सस्टेन करती है कोई 5 मिनट की या 15 मिनट की, 2-3 कैंडल्स ओपन होती हैं तो मार्केट नीचे है, अगर यहाँ पर आकर तो फिर मार्केट ऊपर है अगर इसको क्रॉस नहीं करती पिवट पॉइंट को, ठीक है। तो एक बार आपने बाय की ट्राई करनी है 2038 पर, फिर आपने करनी है 2032 पर, और ये है जी हमारी आज की ट्रेड। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने देखनी है, न्यूज़ का वेट करना है, ये सारा कुछ न्यूज़ की वजह से हो रहा है जो अभी इस टाइम मार्केट में हो रहा है, ठीक है। किस तरह से मूवमेंट दे रही है ये आपके सामने है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ से ये मैंने M15 ओपन किया हुआ है, और हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं, यहाँ से मार्केट का जो है मूवमेंट होनी चाहिए नीचे की तरफ। हाँ, अभी एक एक टिप आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ से पहले मार्केट जिस तरफ मूवमेंट करती है ना, उस तरफ कम ही जाती है, ठीक है। यानी न्यूज़ जब आएगी उसका डाटा शो होगा, मुझे लग रहा है, ठीक है, बट आपने देख लेना, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक स्पाइक मार के मार्केट फिर नीचे की तरफ गिर सकती है। तो आज फ्राइडे या फ्राइडे में आपको पता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है, पहले ही मार्केट तकरीबन तकरीबन 20 पॉइंट या 200 पिप्स जो है मार्केट सुबह से लेकर अभी तक ऊपर चले गई है। तो मुझे लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ आएगी आफ्टर न्यूज़, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ये कल फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या जो आज हमने बताया वो उस तरह हुआ, जो लेवल्स हमने आज लगाए, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल्स, उनको रिस्पेक्ट की इन्होंने इस मार्केट ने कि नहीं की। तो ये वाला लेवल तो आपको पता है ब्रेक हो गया, अब ये वाला है 64 वाला या 5 वाला, तो उसके बाद 70 वाला, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर कल बात करेंगे।